फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोथेरेपी से आज हम स्टार्ट करेंगे और पहली हमारी जो साइकोथेरेपी है वो है साइकोडायनामिक थेरेपी। और इससे पहले एक स्टेप और चीज है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि सबसे पहले क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करते हैं जब हम कोई भी साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो साइकोडायनामिक हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे एग्जिस्टेंशियल हो। उससे पहले ये एक स्टेप है जो सब में कॉमन होता है, जिसको हम क्लिनिकल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जनरली क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब है कि हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लम के बारे में, और हम खुद से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा काम करना है, किस प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना है उसकी, और किस तरह की टेक्निक हमने ज़्यादा यूज़ करनी है। तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले का जो होमवर्क होता है कि सारा कुछ पहले एनालाइज करके क्या क्या सामान चाहिए होगा, कितने सेशन चाहिए होंगे, और किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है, किस बिहेवियर में ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन सा बिहेवियर चेंज करना है या फिर कौन सी इमोशंस को चेंज करना है। तो ये सब जब हम पहले से अपना एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग के एक दो सेशन में, उसको क्लिनिकल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और ये कोई भी थेरेपी हो उससे पहले ये करना ही पड़ता है किसी भी थेरेपिस्ट को, ठीक है। तो इसके तीन स्टेप है बहुत सिंपल से। एक तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, पहले तो उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि क्लाइंट को एक्चुअली में प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है, कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है या कोई फियर है, कोई फोबिया है या किस तरह का डिसऑर्डर है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है, वो सब चीज चेक करके पहले अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट। अब उस प्रॉब्लम के अंदर कौन से एरिया है जिसको टारगेट करना है, उसका कोई डर है जिसकी वजह से वो डर रहा है तो हमने वो डर दूर करना है, उसका फोबिया है, एंग्जाइटी होती है तो वो किस वजह से एंग्जाइटी हो रही है उस चीज को टारगेट करना है, उसकी वजह हटानी है, या फिर एग्रेशन बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है तो वो जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसकी क्या कॉजेज है, वो कैसे हट सकते हैं वो कॉजेज, मतलब हमें उस प्रॉब्लम का, डिसऑर्डर का, डिप्रेशन है जैसे, तो उसका क्या रीजन है, कॉज जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है उसको टारगेट करना है, वो चीज आइडेंटिफाई करना है, थेरेपिस्ट का काम है। और ये स्टार्टिंग के एक दो सेशन में डिस्कशन होती है उसके साथ, क्लाइंट के साथ, तब होता है ये। चॉइसेस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट फाइनली जब एनालाइज हो जाती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, तो फिर वो सोचता है कि अब किस तरह की टेक्निक यूज करी जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी में जैसे साइकोडायनामिक सूट कर सकती है, किसी में बिहेवियर सूट कर सकती है, किसी में एग्जिस्टेंशियल सूट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन के प्रॉब्लम किस चीज के बारे में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी साइकोडायनामिक थ्योरी। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, ये फ्रॉइड की दी हुई थ्योरी है और उसका एक बहुत ही खास फॉलोअर था कार्ल यूंग, जिसने इसी को बाद में एनालिटिक साइकोथेरेपी नाम दे दिया था। और हमने पढ़ा है कि उसके बाद नियो फ्रॉइडियंस आए थे, उसके बाद काफी सारे नए साइकोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने अलग अलग वर्जन दिए इसी सेम थ्योरी के। तो मतलब ये सबसे पहले ये थ्योरी आई थी, सबसे पुरानी है, लेकिन उसको इसके फॉलोवर जितने भी थे फ्रॉइड के या इसका जो काम फॉलो करते थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको चेंज कर दिया था, जिसमें से कार्ल यूंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने एनालिटिक साइकोथेरेपी इसका नाम दिया था। इसमें जनरल स्टेप्स क्या होते हैं, पहले तो जैसे कल हमने डिस्कस किया वीडियो में कि इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट को टारगेट करता है ये। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड की डिसऑर्डर की प्रॉब्लम क्या होती है, जब अंदर ही अंदर अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है किसी का। और वो क्यों होता है, जब बचपन में उसका कोई डिजायर पूरा नहीं हुआ या बचपन में उसका कोई फियर था जो रह गया अभी भी, मतलब चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आज उसको इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहले तो एलिसिट करना उसी को, उस कॉन्फ्लिक्ट को एलिसिट करने का मतलब है उसको बाहर लेके आना कि वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या। इसका मेन फर्स्ट स्टेप होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को पहले सामने लाना कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है। दूसरा स्टेप होता है कि जैसे वो क्लाइंट आता है तो उसको बोलते हैं, आपने देखा है मूवीज में भी कि एक जगह साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, सामने एक सोफा होता है, उसमें क्लाइंट को बोलते हैं आप आराम से रिलैक्स स्टेट में लेट जाओ। वो इसलिए बोला जाता है कि जब तक वो रिलैक्स नहीं होगा और मतलब कि एक उसका बॉडी पोस्चर एकदम फ्री नहीं होगा तब तक वो वहां ध्यान नहीं दे पाएगा जहाँ पे थेरेपिस्ट चाहता है। फिर उसको बोलते हैं अपनी आईज क्लोज करो, क्योंकि आईज क्लोज करने से कई बार वो एक स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं धीरे धीरे। ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, इतना वार्म और
अच्छा एनवायरनमेंट होता है कि धीरे धीरे रिलैक्स होते होते वो मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद कई बार ड्रीम्स भी आने लगते हैं उनको। फिर उनको बोलते हैं आप फ्रीली बोलो जो मन में आ रहा है अपने बारे में, और जो आप बोलते जा रहे हो उससे रिलेटेड आगे जो वर्ड याद आता जा रहा है वो बताते जाओ, उससे पहले की कोई कहानी याद आ रही है वो बताते जाओ। यहाँ पे ईगो और सुपर ईगो को बीच में नहीं आने देते, क्योंकि जनरली जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हम बड़ा सोच के बोलते हैं, हमारी ईगो और सुपर ईगो बैलेंस करती रहती है क्या चीज बोलनी है क्या नहीं बोलनी है। लेकिन यहाँ पे ईगो और सुपर ईगो को एकदम अलग रखते हैं, और क्लाइंट को बोला जाता है कि जो मन में आ रहा है बिना सोचे बोलना है, सही गलत नहीं डिसाइड करना है, जो आपको उस टाइम याद आ रहा है बोलना है। इसको फ्री एसोसिएशन बोलते हैं इस टेक्निक को। और जब वो उठता है तो उसको बोलते हैं कि आपने ड्रीम में क्या देखा था, आपके माइंड में उस टाइम क्या आया था वो लिख के दो, अपना ड्रीम बताओ। ड्रीम को एनालाइज किया जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ड्रीम होते हैं वो हमारे कभी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं पुराने, उसके बेस पे आते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बेस में ड्रीम्स आते हैं। तो उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब उसका मीनिंग निकाला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो सब पता चलते हैं। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि क्या करते हैं साइकोडायनामिक में। अब इसका प्रॉपर जो टेक्निकल स्टेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब इसमें क्या है, करना क्या होता है हमें। अनकॉन्शियस फोर्सेस होते हैं जो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस, जो हमें याद नहीं है बिल्कुल भी, बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पुराने इवेंट्स हैं, मेमोरीज हैं जो हमें बिल्कुल याद नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में चली गई है। उसको फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन की हेल्प से कॉन्शियस रेलम में लेके आना, कॉन्शियस रेलम में मतलब जो अभी हमें याद है उस जगह पे लेके आना जिसको हम बता सके किसी को। तो ये इसकी ट्रीटमेंट का मेन काम होता है कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस है उनको कॉन्शियस रेलम में लेके आना। ठीक है, अनकॉन्शियस क्यों? क्योंकि बहुत पुराने होते हैं, हम भूल चुके होते हैं, जिसका असर हमें अब हो रहा होता है। कोई आसपास का रिसेंट का कोई इवेंट नहीं होता, बहुत पुराना चाइल्डहुड का कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से अब हम परेशान हो रहे होते हैं और हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो कैसे याद आए जब बड़े होने के बाद? क्योंकि क्या होता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम लोग वो चीजें भूल जाते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। तो हमारा माइंड उस चीज को नीचे दबा देता है, सप्रेस कर देता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरह का। तो अब हमें अगर बचपन में बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारा माइंड उसको कहीं दबा दिया, उसने बंद करके रख दिया। अब उसकी वजह से हम आज अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट का तो काम है ना कि वो जो दबी हुई चीज है उसको पहले वो बाहर निकाले, पता करे कि हुआ क्या था, जिससे वो पता उसको क्लाइंट को समझा पाए कि आपके साथ ऐसा हुआ था इसलिए आज आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी शो कर रहे होते हैं एक तरह का, और सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी मेमोरीज को, अनकॉन्शियसली दबा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उनको याद करने में दुख होता है कि कभी याद आ जाए कोई चीज, हमें बहुत दुख होता है कि ऐसा किया था हमारे साथ। तो इसलिए अब इसका पहला स्टेप होता है, मतलब जब ये थेरेपी स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे वो ये सब शुरू हो चुका होता है कि उसको बोल दिया क्लाइंट को कि आप उस पे काउच पे सोफे पे लेट के आंखें बंद करके आप बोलना शुरू करो, और वो बोल रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बात करते करते धीरे धीरे जब वो क्लाइंट अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको फ्री छोड़ दिया होता है कुछ भी बोलने के लिए, तो उसको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे उसको बोला जाता है कि आप जो भी बोलोगे उसको नेगेटिवली नहीं लिया जाएगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी को बताएंगे नहीं। तो वो एक तरह से फ्री हो जाता है कि वो जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आता है कि उसको पुरानी चीजें याद आने लगती है धीरे धीरे अपनी पुरानी। हमें भी अगर कोई बात सुनता रहे हमारी, तो हमें एक के बाद एक इवेंट याद आता रहता ना कि उससे रिलेटेड ये हुआ था, उससे रिलेटेड ये हुआ था। वो करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो बचपन में जिसकी वजह से वो क्लाइंट परेशान हुआ था, हो सकता है उसकी मदर हो सकता है उसका फादर हो सकता है कोई अंकल हो, जिसकी वजह से भी वो क्लाइंट परेशान था बचपन में, वो थेरेपिस्ट को वो समझने लगता है। ऑब्वियसली वो देख नहीं रहा होता, उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन वो बोलता ऐसे कि उसको ये लगता है कि थेरेपिस्ट जो है सुन रहा है वो वही पर्सन है जो उसको परेशान करता था। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफेरेंस, मतलब वो उस चीज को याद करते करते आंखें बंद करके एकदम से थेरेपिस्ट को वो बंदा समझने लगता है जो उसको बचपन में परेशान करता था।
तो थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर बना देता है, क्योंकि उस टाइम वो क्लाइंट छोटा था तो जो दूसरा पर्सन है वो उससे बड़ा था, तो उसका अथॉरिटी फिगर हो गया क्योंकि उसकी बात माननी पड़ती थी क्लाइंट को, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वो अथॉरिटी फिगर बना देता है उसको थेरेपिस्ट को। अब थेरेपिस्ट को वो कुछ उल्टा सीधा भी कई बार बोलने लग जाता है, बताते बताते उसको कुछ गुस्सा दिखाने लग जाता है क्योंकि उसको लगता है वो वही पर्सन है। या उल्टा ऐसे भी हो सकता है कि वो बचपन में किसी को बहुत ज्यादा लाइक करता था, उसने धोखा दिया, तो थेरेपिस्ट को कई बार वो बहुत प्यार से भी बात करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे थेरेपिस्ट का काम ये है कि अगर वो कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा बताते बताते, थेरेपिस्ट को कुछ बना दिया उसने, सपोज अपना फादर बना दिया, और उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है क्लाइंट कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था या जो भी है, थेरेपिस्ट को कुछ नहीं बोलना है, उसको परमिसिव रहना है। परमिसिव मतलब उसको बोलने देना है क्लाइंट जो बोल रहा है, ठीक है, और नॉन जजमेंटल मतलब उसको जज नहीं करना क्लाइंट को कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है अपने फादर से, इसको तमीज नहीं है, कुछ नहीं, खाली क्लाइंट को उसको बोलने देना लगातार, क्योंकि उसको नोट करना है कि अपने फादर के लिए ऐसे ऐसे सोचता है, क्यों सोचता है, फादर ने क्या किया, ये सब। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जरूरी नहीं फादर हो, कोई और भी हो सकता है। अच्छा, जब ये थेरेपिस्ट उसको बोलने देगा तो उससे क्या होगा, उसके जितने भी इमोशंस है वो बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन होगी कि किस तरह के इमोशंस है उसको उस फिगर को लेके जो अथॉरिटी फिगर है, वो क्या सोचता था उसके बारे में, अच्छा लगता था कि बुरा लगता था। अब ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें क्लाइंट अपना गुस्सा निकालता है अथॉरिटी फिगर के ऊपर, उस प्रोसेस को जब वो गुस्सा निकालता है ना उसके ऊपर, जैसे इमोशंस होते हैं, जैसे कभी गुस्सा निकालता है, कई बार क्या होता है उसको प्यार भी करने लग जाता है, बचपन में कोई ऐसा हुआ होता है उसके साथ उसको बहुत प्यार करता है, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस भी हो सकती है, नेगेटिव ट्रांसफेरेंस भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस, कि वो अपनी इमोशंस लेट आउट कर रहा है थेरेपिस्ट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव क्या चीज है, अगर तो वो थेरेपिस्ट को बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा मान रहा है, उसको एक तरह से प्यार कर रहा है, मतलब उसको उसकी तारीफ कर रहा है, तो ठीक है, हम पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर वो उसको नेगेटिव मतलब गुस्सा दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ट्रांसफेरेंस बोलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि चाइल्डहुड में उसका कैसा एक्सपीरियंस था, वो उसी तरीके से थेरेपिस्ट के साथ बिहेव करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसफेरेंस। ठीक है, इस टाइम पे थेरेपिस्ट का क्या काम है, फटाफट नोट कर रहा है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कैसे बोल रहा है, कौन सी इमोशन दिखा रहा है। अब दूसरा होता है रेजिस्टेंस, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ना क्लाइंट को एकदम रियलाइज होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मैं किसी और को बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो वो है नहीं पर्सन, यहाँ तो कोई और है, और वो उसको बहुत टेंशन होती है क्योंकि वही सब चीजें उसके माइंड में दोबारा से रिपीट हो रही होती हैं, वो वही उसी टाइम पे वापस पहुंच जाता है और उसको फिर वही स्ट्रेस होने लगता है, उस तरह का गुस्सा आने लगता है, उस तरह की परेशानी होने लगती है। इस वजह से क्या करता है, क्लाइंट रुक जाता है, वो कोशिश करता है कि वो चीज को रोक दे क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहा होता है उस चीज को याद करके, तो रेजिस्ट करता है क्लाइंट, क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, क्यों, डिस्ट्रेस की वजह से। तो क्लाइंट कोशिश करता है कि ट्रांसफेरेंस रुक जाए, वो ना याद करे, वरना उसको वापस उतनी ज्यादा दुख होता है। ठीक है, अब ये कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी। कॉन्शियसली अगर होगा तो क्या होगा, क्लाइंट जानबूझ के कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाएगा थेरेपिस्ट से, उसको नहीं बताएगा, और अगर अनकॉन्शियसली होगा तो अनकॉन्शियसली कैसे करेगा, बोलते बोलते एकदम चुप हो जाएगा या फिर सेशन मिस करना शुरू कर देगा, अपने थेरेपिस्ट के पास आना बंद कर देगा, या जानबूझ के लेट पहुंचेगा उसके सेशन में, जैसे एक घंटे का सेशन होता है तो आधे घंटे बाद आएगा ताकि ज्यादा देर बात ही ना हो पाए, या फिर उसको छोटी छोटी चीजें याद करके बताएगा, इंपॉर्टेंट चीजें छुपा लेगा, वो बताएगा ही नहीं, याद ही नहीं करने की कोशिश करेगा इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये रेजिस्टेंस जो दिखाता है क्लाइंट, ये या तो कॉन्शियसली करता है या फिर अनकॉन्शियसली करता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप अब आता है हमारा कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग में क्या है, जैसे क्लाइंट थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब कि अपनी बातें छुपाने की कोशिश करता है, या फिर वो कोशिश करता है कि वो मिस करे अपनी थेरेपी सेशन या जो भी है। अब थेरेपिस्ट का यहाँ पे काम है कि उसकी रेजिस्टेंस को किसी तरीके से रोकना।
तो आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं थेरेपिस्ट वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो उसको बार बार रिपीटेडली क्लाइंट को बताता है कि आपकी ये इमोशंस हैं, इनका ये मीनिंग है, बार बार कन्फ्रंट करने के लिए बोलता है। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है आमना सामना करना। तो वो क्लाइंट को बार बार बताता है कि आपकी ये इमोशंस हैं, आपके अंदर एंगर है, फियर है, एग्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये जो चीजें हैं ये आपकी इस वजह से हो रही हैं, आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आगे इसका क्या रीजन है इतनी ज्यादा इमोशंस का। मतलब वो पूरी कोशिश करता है कि क्लाइंट जो है ना वो रेजिस्ट ना करे, वो अपनी बातें बताए उसको, और उसको सारी चीजें बताता है जो नोट कर रहा होता है, उसे छुपाता कुछ नहीं है थेरेपिस्ट, क्योंकि छुपाएगा तो ट्रीट कैसे करेगा। क्लाइंट को जब सारी चीजें वो बताएगा कि आपके साथ ये हुआ था, आपने मुझे ऐसा ऐसा बोला जब आप प्री एसोसिएशन कर रहे थे, आपने फिर अपना ड्रीम जब बताया तो उसका ये मतलब आ रहा है निकल के, आपके साथ ऐसा था जो आपको याद नहीं है अब, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ था, आप इतना गुस्सा हो रहे थे, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर आप बहुत ज्यादा खुश थे, आप किसी को बहुत प्यार करते थे, पॉजिटिव था नेगेटिव था, वो क्लाइंट को बताएगा उसके फेस पे। तो क्लाइंट के लिए थोड़ा सा ना वो शॉकिंग हो जाता है कि वो सोच नहीं, रिलेट नहीं कर पाते कि मैं ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका था इसलिए, और इतनी सारी चीजें मैं भूल गया था। तो वो जब ये कन्फ्रंट कराता है ना उसको, तब जाके क्लाइंट को लगता है कि हाँ फायदा हो रहा है मेरे सेशन का, तो वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम करता है आपकी। क्लैरिफिकेशन भी करता है थेरेपिस्ट, ये दोनों तीनों काम थेरेपिस्ट के हैं यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन क्या करता है, जैसे कोई कंफ्यूजिंग सी इवेंट होती है, हम लोग भूल चुके होते हैं, हमें पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा होता और हमें पता नहीं चल रहा होता कि उस टाइम क्या था कैसे था, तो थेरेपिस्ट थोड़ा सा उस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है, और कोई चीज अगर हल्की फुल्की याद है तो उसको फोकस में लाने की कोशिश करता है, कोई चीज अगर क्लाइंट ने थोड़ी सी बताई और आगे चला गया उसको पूरा कंप्लीट किए बिना, तो यहाँ पे अगर थेरेपिस्ट कोशिश करता है कि उसको पकड़ के दोबारा से बोले कि इसके बारे में बताओ आपने ये बात पूरी नहीं बोली थी, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम वो चीज छोड़ देते हैं जिससे हमें ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, तो थेरेपिस्ट का काम होता है उसी चीज को पकड़ के उसको फिर से पूछना कि इस टाइम क्या हुआ था, ये आपने पूरा क्यों नहीं बताया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करता है उसके बाद, जब वो सारी चीजें उससे पूछता है, और ये दो तीन बार होता है एक ही बार में नहीं बता पाते, इतने सारे सेशन होते हैं इसके, फिर इंटरप्रिटेशन भी साथ साथ ही होती है, जैसे जिस सेशन में क्लाइंट ने बताई चीजें वो उसको फिर इंटरप्रेट करके बताता है उसका मीनिंग, कि आपने ऐसे शो आपने ये बोला था क्योंकि आप उस टाइम ये फील करते थे, उसकी वजह से आज तक आपके मन में ये फीलिंग चल रही है, जो भी होता है केस, तो वो उसको इंटरप्रेट करता है उसी के सामने, क्लाइंट के सामने। और ये तीनों स्टेप्स ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो कन्फ्रंट करता है, उसको बताता है, क्लैरिफाई करता है, इंटरप्रेट करता है क्लाइंट के सामने। तो जब हम ये तीनों स्टेप्स रिपीट करते हैं बार बार 3, 4 और 5, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग थ्रू, ठीक है। तो मतलब कहने का पहला प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसपेरेंस हुआ, जब वो फ्री एसोसिएशन कर रहा था तो वो जब अपने अनकॉन्शियस माइंड में चला गया क्लाइंट, तो ट्रांसपेरेंस शुरू हुआ। ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस के बाद थोड़ी देर बाद क्लाइंट रेजिस्ट करने लगा, क्योंकि उसको बहुत परेशानी हो रही थी याद करके पुरानी चीजें। जब वो रेजिस्ट करने लगा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो थेरेपिस्ट ने उसको ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को उसको कन्फ्रंट करा, उसको क्लैरिफाई करा, उसको इंटरप्रेट करा, और ये तीनों काम बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्किंग थ्रू। फाइनल स्टेप क्या हो जाता है, ये सब चीजें करने के बाद जब बहुत सारे सेशन हो जाते हैं, तो लास्ट के जो कुछ सेशन बचते हैं जब थेरेपी काम करने लगती है, तो क्लाइंट को इनसाइट मिल जाता है। इनसाइट मिल जाने का मतलब है अपने आप को क्लाइंट धीरे धीरे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली ज्यादा अच्छा समझने लगता है। वो समझ जाता है कि अच्छा मैं इतना गुस्सा इसलिए होता हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था। इंटेलेक्चुअली भी दिमाग लगाता है कि अच्छा ये इसका कनेक्शन उससे है। अपने आप को इमोशनली इंटेलेक्चुअली समझना शुरू कर जाता है जब धीरे धीरे क्लाइंट, तो वो अपने एंगर को, गुस्से को और जो उनका डिसऑर्डर बिहेवियर को, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब चीजें कंट्रोल कर लेता है। उसको जो फिजिकल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, कभी हेडेक, कभी सोमेटोफॉर्म टाइप के, वो भी धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, जो भी उसके स्ट्रेस हो रहा होता है जिस वजह से भी। तो इनसाइट गेन करने का मतलब यही है कि जब अपने आप को समझ जाता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव करता था, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन है, जैसे मैंने बोला काफी साल लग जाते हैं इस थेरेपी में, ये सबसे लंबी थेरेपी है, और
जनरली जो सेशन होता है घंटे का होता है, हफ्ते में 4 से 5 दिन जाना होता है इसमें। और स्टेजेस क्या है, 3 स्टेजेस है जो हमने डिस्कस करी है। एक है इनिशियल स्टेज, एक मिडल, एक टर्मिनेशन। इनिशियल स्टेज क्या है, जब क्लाइंट थेरेपिस्ट से मिलता है, उसकी फैमिलियरिटी होती है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, उसके साथ एक रिलेशन बनता है ट्रस्ट वाला, और थेरेपिस्ट उसको बताता है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को सब कुछ बता सकते हो, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाला रिलेशन होता है। और धीरे धीरे जब क्लाइंट उसको अपनी बातें बताता है, स्टार्टिंग में तो ऊपर ऊपर की बातें बताता है, इतना अंदर अनकॉन्शियसली नहीं बताता है, तो उसको अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ बात। तो ये होती है इनिशियल स्टेज, जब क्लाइंट को अच्छा लगना शुरू होता है कि हाँ मैं इससे बात करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आती है मिडिल स्टेज, जिसमें ये स्टेप शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, वर्किंग थ्रू होता है, इनसाइट होता है। इनसाइट मतलब वो क्योर होना शुरू हो जाता है, क्योर हो जाता है क्लाइंट। फिर लास्ट में टर्मिनेशन स्टेज होती है, जब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, रिलेशन डिसॉल्व होता है क्लाइंट का और थेरेपिस्ट का, क्योंकि ये रिलेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, वैसा नहीं होता ये रिलेशन कि आप उसको साल में एक बार जाके मिलके ही आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसमें जब आपका काम हो जाता है तो आपको अपना रिलेशन खत्म करना होता है उससे, ठीक है, क्योंकि आप डिपेंड नहीं हो सकते ना साइकोलॉजिकली किसी के ऊपर। और क्लाइंट जो है वो जाने के लिए प्रिपेयर करता है, जाने के लिए मतलब जो भी फाइनली उसको वो बताता है थेरेपिस्ट कि अब आपने इस चीज का आगे ध्यान रखना है, कभी ऐसा हो तो आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें उसको समझा देता है और क्लाइंट जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हो जाता है इसका इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और टर्मिनेशन स्टेज। और ये आपकी खत्म होती है यहाँ पे साइकोडायनामिक थ्योरी, और नेक्स्ट थ्योरी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।